तो व्यापार में निंद कर्म मत करो, पापाचार मत करो। धर्म शास्त्र में जो काम हे बताए गए हैं उनको भी जो नहीं छोड़ते, ऐसे मनुष्यों को देखे देखो, वे चाहे सफल मनोरथ भी हो गए हों तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती। मतलब क्या है? जिन बातों का धर्माचार में निषेध किया गया है, यदि तुम उनसे दूर नहीं होगे तो तुम भले वैभव के शिखर पर जाकर बैठ जाओ, शांति नहीं पा सकोगे। कैसे कमाना? धर्म के साथ कमाना, और इसके लिए चार बातों को सदैव ध्यान रखना। मेरे व्यापार में हिंसा ना हो, मेरे व्यापार में शोषण ना हो, मेरे व्यापार में अनीति ना हो, और मेरे व्यापार में अप्रामाणिकता ना हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नीति युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार, इसे ही सम्यक आजीविका कहा जा सकता है। पैसा कमाना है, आजकल पैसा कमाने के अवसर तो खूब है, और पाप के कार्यों में ज्यादा जल्दी पैसा आता है ना? और कुछ लोग ऐसे ही होते, तिकड़म लगा करके एकदम बढ़ते और एकदम चढ़ते, पर वो सब बारिश के पेड़ होते, चार महीने में 8 फीट का हो जाता है। पर जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से उतर भी जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, बारिश का पेड़ नहीं बरगद का पेड़ बनो। एक बार बढ़ो तो बढ़ते ही जाओ। कब बनोगे? जब जड़ गहरी होगी। कैसे कमाना? सत्कर्म से कमाना। मुझे जैसे तैसे कैसे भी पैसे, ये दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्रित की जाती है वो क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्र की जाती है वह क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है, पर जो धर्म द्वारा संचित की जाती है वो बीच में छीन हो जाने पर भी अंत में खूब फूलती फलती है। बरगद के पेड़ में पतझड़ आने पर भी वो हरा भरा हो जाता है। क्यों? जड़ गहरी है। तो कभी अपने जीवन में किसी की हाय मत लेना। हिंसा, शोषण, अनीति या अप्रामाणिकता से जीवन को बचा कर चलो, पर अधर्म से बचना जरूरी है। जो लोग दान देने के लिए पैसा कमाते हैं उनसे मैं कहूंगा, पाप कमाकर धन दान मत करना। दान करो तो कोशिश करो कि मेरी कमाई भी अच्छी हो, तब उस दान का सच्चा फल मिलेगा। तो क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना और कब तक कमाना, अभी तो एक ही सूत्र के चार बातें हैं। अब गंवाना, बचाना, लगाना, अभी तीन और बचे है ना? कब तक कमाना और कितना कमाना, कभी सोचा? कब तक? मरते दम तक। क्या? कब तक?
मरते दम तक। बड़ी मुश्किल होती है लोगों की, पैसे के प्रति मनुष्य की आसक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। एक विचारक ने बड़ी गहरी बात लिखी कि वासना के आसक्ति से भी ज्यादा आसक्ति धन की होती है, वासना से भी ज्यादा धन की आसक्ति होती है। वासना का विकार एक उम्र में प्रकट होता है और उम्र ढलने के बाद समाप्त भी हो जाता है, लेकिन पैसे के प्रति लगाव दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने वाले व्यक्ति तक होता है, मरते दम तक नहीं छूटता। क्यों? पैसे को ही जब अपने जीवन का साध बनाकर चलोगे तो ऐसी बातें घटेगी।